الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
ये कैफियत यानी जब मौजूदियत आ जाती है तो सिवाय अल्लाह का कुछ याद नहीं होता, अल्लाह अपने आप भी भूल जाता है। बुजुर्गों ने तीन बार कैफियत आती रहती है, बार बुजुर्गों पर आती कुछ लम्हों के लिए और चले जाते, तो सालिक उसको कहते हैं जो कैफियत आती है चले जाते हैं, उनको सालिक कहते हैं। लेकिन जिसके ऊपर ये कैफियत हमेशा 24 घंटे आ जाए तो उसको मबसूक कहते हैं। मैं उसको अपनी जात के लिए याद नहीं रहा, खुद का पता नहीं रहा। आप अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको हदीस से भी इसका हल बता रहा हूँ। एक मरतबा का वाक़िया है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब गए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे, तो आयशा सिद्दीका ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कि अम्मा आयशा सिद्दीका जानती थी कि सिवाय हुज़ूर के और कोई नहीं। जब दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कौन, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं आयशा हूँ। तो सरकार अंदर से आवाज़ आई कौन आयशा, तो कहा अबू बकर सिद्दीक की बेटी। अंदर से आवाज़ आई कौन अबू बकर सिद्दीक, बोले मोहम्मद रसूलल्लाह की बेटी। आवाज़ आई कौन मोहम्मद रसूलल्लाह, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कुछ देर में थम गए ठहरे, बाद में दरवाज़ा खुला कर देखे तो हुज़ूर के सिवा हुज़ूर में कोई और नहीं थे। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह अभी कुछ देर पहले मैंने आवाज़ दिया तो इस तरह की आवाज़ है। तो सरकार ने मदीना अलैहिस्सलाम सलाम ने चार फरमा कहे ऐसा एक वक्त ऐसा आता है हम पर सिवाय रब के और कोई याद नहीं, सिवाय रब के कुछ याद नहीं रहता। ये कैफियत जो है ना, क्योंकि हर चीज़ हुज़ूर से मिली, ज़ाहिर भी हुज़ूर से मिला है, बातें भी हुज़ूर से मिला। सिलसिला तसव्वुफ़ हो या तरीक़त के जितने मामलात हो, ये सारे हुज़ूर की अदाओं का ही नाम। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बाद लोग कहते हैं नहीं है बाबा लोगों ने नहीं नहीं बातें निकाली है, सारे ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें मदीने से ही आ गई, मदीने से अदर से ही आ गई। तो यही कहते हैं तारीख बाबा पर कब टाइम हुई जो हमें वक्त आप जो है ना आपका रूह खाली हो गई और 24 घंटे आपको खुद का भी ख्याल नहीं रहा, बस किसी इसी बात पर। मेरे लोग देखने में उनको दीवाना समझते हैं, लेकिन इसी बात पर किसी शायर शाह ने कहा का दीवाने को जमाना देखता है और दीवाना खुदा करने का हाथ देखता है। तो ये ऐसे मौजूदों को पढ़ा, मैंने यही बताया हर पागल मौजूद नहीं होता, उसकी भी एक पहचान होती है। उसमें से एक पहचान मैंने आपको बताई थी कि मौजूद महीनों में पानी नहीं आता तो फिर भी जिसम से वो नहीं आता, महीनों पर तक पानी आता हाथ एक दो दिन नहीं आया तो हमारे पगड़ों से पसीनों की पौधी मौजूद जो होता है ना, क्योंकि हर ऐसे दिमागे और पागल लिखते रहेंगे तो आप मौजूद समझेंगे ऐसा नहीं है। तो जो मौजूद होता है सालों तक पानी नहीं आता, महीनों तक पानी आता तो उसके जिसम से वो नहीं आता। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने हमारे जज फरमाते हैं बाज़ार में मौजूद में नमाज पढ़ते दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद नमाज छोड़ता नहीं। लेकिन फरमाया कि मंसूर को ये ना समझ में नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ते जरूर है तुम्हें दिखाई नहीं देते। और हमारे जगह इनका अदब तो उस दौर में मंसूब भी क्या करते थे। लेकिन जब भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह घर से बाहर निकलते तो मौजूद दौड़ के आते और छात्र पर पढ़ लिया कपड़ा पहने कहते अहमद साहब बरेली आ रहा है, ताकि तो इनकी भी चाहने में बहुत मजमा बहुत ज़्यादा हो जाएगा शहर में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कहकर जब गुस्ल देने के लिए मकसूद के पास गए तो वो सिमट गए, गोल इस तरह ना हाथ पैर और मुँह पास में खरीद कर
अब परेशान हो गए, मुश्किल कैसा थे। अब ये करते हजरत आपका अचानक इंतकाल हुआ तो आपने यहाँ से अपने आप समझ गए गोल टुकड़ा बन गए। तो हजूर राजा तुम्हें मेरी बात चल रहा फरमा हो गया आ गए मुझे क्या मामला है हजूर इस तरह मसला है आप जाने से पहले हम उनको गुस्सा देकर तकफीन करना चाहते थे लेकिन वो अचानक उनको गुस्सा देने गए तो सिमट गए। हजूर राजू शरिया अब लाए आने में फरमा के मुझे दे उनके पास देकर चला। जब मालूम गए हजूर राजू ने गरीब ने और कान में कुछ कहा कान में कुछ कहा उतना कहना था वो सीधे हो शरीफ फौज में थे। फौज में थे तभी तो आपने हैदराबाद का नाम
फौज पर का वाला एग्जाम्पल, क्योंकि फौज में क्या होता है, टैंक तोड़ना, टैंक दिखाना, ये तीन चीज कसरों में है, कम खाओ, कम बात करो, कम सो, कम बात करना, कम खाना, कम सोना, ये सारे लोग चैन में लगे, तीन चीज तसव्वुफ की अहम तालीम आपके साथ, हर काम खाने तालीम जरूर दी जाती, कम खाना, कम बात करना और कम सोना। लेकिन हम तीनों के उल्टे हैं, हम तीनों चीज़ में भी उल्टे हैं। हम खाली बैठे तो जिक्र देखिए कितने लोगों ने कलमे में जीवा पढ़ा है, नहीं पढ़ा, नहीं मालूम। चलो मैं तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा पढ़ा मेरे, लेकिन ताजुब भी हो रहा, किसी ने कहा आठ दिन का टाइम दे, किसी ने सौ मरतबा पढ़ा, किसी ने, चलो ताजुब की बात है, करना चाहिए बात। तो ये फुजूल वक्त अगर हम नहीं गुजारते तो अलग बात है, लेकिन बोलना बेकार हो गया आप लोगों को, बोलने को जिसा कुछ फर्क आ रहा नहीं। अल्लाह बस हमारे खानदान की जो मुर्शिदीन मशाइख हैं उनका फैज तमाम के दिल को लाना पड़ा है, उन लोगों को समझने की तौफीक दे, ना फातिहा का दर्द तुम्हारे दिल में रहा, ना कुछ नहीं, बस फॉर्मेलिटीज, फिर फॉर्मेलिटीज सब कुछ चल रही है, ना फातिहा के लिए आगे बढ़ने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, ताजुब की बात है, अल्लाह समझने की तौफीक दे। तो कम खाना, कम बात करना और कम सोना, ये तीन चीज़ें तसव्वुफ की अहम तालीमात में से है, और फौज में यही होगा, ज़्यादा बाप नहीं किया जाता, ज़्यादा उनको टाइम को उठा दिया जाता है, खाना भी लिमिट से टाइम पर वहाँ पर दिया जाता है। एक तो मुजाहिदा अच्छा होता है फौज में, और दूसरा ताजुब अलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब फौज में दाखिला लेते हैं, आपने कई अंग्रेजों को इस्लाम की दावत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कई अंग्रेज ने आपसे दीन सीखा, इस्लाम सीखा, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। डॉक्टर भैया मस्जिद की कैसी नहीं, जब की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक कि अंग्रेज का एक बहुत बड़ा अफसर है, उसका नाम भी तारीख में आता है, एक ताजुल अलिया का एक मुरीद है हुजूर यूसुफ ताजी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उस वो अंग्रेज के जो बड़े कमांडर थे वो भी हुजूर ताजुल अलिया के पास आकर तसव्वुफ सीखा करते थे। तो ये एक दूसरा फायदा, ताजुद्दीन बाबा फौज में रहकर उन लोगों ने तबलीग के दीन का काम किया, और इस सिलसिले में आप इंग्लैंड भी गए, ताजुल अलिया इंग्लैंड भी गए, और इंडिया के हर एक स्टेट, यहाँ तक कि बैठ बैठा के हैदराबाद धड़कन भी आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप जो हैदराबाद धड़कन से पलट कर आपका ये काम आपने जारी किया है, आप जो है, क्योंकि जितने फौजी आपके साथी थे ना सब आपकी इज्जत करते थे, क्यों, क्योंकि आप सारे फौजी ने देखा था कि ये बंदा सारे फौज में एक अलग है, इनके अखलाक, इनके किरदार, इनकी बातचीत, इनके कारना में ये नमाज को नहीं छोड़ते, कुरान की तिलावत ज़्यादा करते थे फौज में रहने के बावजूद भी, और सारे अल्लाह थे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को मुकाम देना चाहता है ना, तो पहले से अल्लाह ताला उस बंदे को ऐसी अदाएँ और ऐसी मिजाज दे देता है कि अपने तो अपने गैर भी देखकर कहते यार इसकी बात ही कुछ अलग है, क्योंकि समझ जाके अल्लाह ताला उस बंदे को कुछ खास मुकाम अता फरमाना होता है, तो पहले से उस बंदे को अल्लाह मशहूर कर देता है बचपन से। तो यहाँ पर आप देखते हैं बचपन से मशहूर हो जाते हैं कि उनकी मिजाज, उनकी बातचीत, हर चीज़ में आम बंदों की ऐसी आदत उनके अंदर नहीं रहती। तो ताजुब अलिया के सारे फौजी इसलिए मतलब अदब करते थे कि आप सारे फौजी जानते थे कि बंदे की मिजाज ही अलग है, इनकी बातचीत का, इनके चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, इबादत, तक़वा, परहेज़गारी, सारी चीज़ें देखते थे। इसलिए तो आम फौजी तो छोड़े कि फौज का बड़ा कमांडर भी आगे अदब से बैठ कर आपसे तालीमात हासिल करता है। तो वो अक्सर आकर ताजुल अलिया से बैठकर आपको सीख रहा है, तो समझ आ गया ताजुल अलिया फौज में रहने के बावजूद भी किस कदर इज्जत के लायक थे फौजियों की नजर में। तो खैर ताजुल अलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब सागर महाराष्ट्र का इलाका सागर वहां पर तशरीफ ले गए, वहां पर आपको एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, नाम था वो बुजुर्ग का सैयद दाऊद हुसैनी कलंदरी रहमतुल्लाह, जो पहले बुजुर्ग मेरे मदरसे में, वो भी कलंदरी सिलसिले के, अभी भी कलंदरी, क्योंकि सिलसिले कलंदरी से आपको बचपन से फैज मिला है, सिलसिले कलंदरी से अब आपको बचपन से फैज मिला। तो आपने हुआ क्योंकि सागर, सागर में जब आप थे सागर में, रात रात भर आप क्या करते थे, सैयद दाऊद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की सुबह में उनके साथ बैठते थे, उनकी बातें बस चलता था, समझिए आप ये रूहानियत का फैज सीने में उड़ा रहे थे। अब हुआ कि जब बंदा रात भर जगता है और दिन में यकीन उसके जिसम में सुस्ती आई है, तो अफसरों ने कहा कि क्या बात है कि आप अक्सर
ड्यूटी पे है, ध्यान नहीं दे रहे, सुस्ती बहुत रहेगी आपके पास और आप नजर भी नहीं आते क्योंकि अच्छे बड़े पोस्ट पे आ सकते थे काबिल होगी आप, एक आम फौजी की तरह नहीं थी, पोस्ट मिल चुका था आपको। देखो आम फौजी को इजाजत देनी पड़ती है बाहर निकलने के लिए, जो तो बड़ा अफसर हो जाता है फौज में बड़ा होते भी आ जाता है उसके लिए कोई टाइम नहीं होता। तो सारी रात ताकत थी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जब नजर नहीं आते तो बड़े अफसरों के साथ काम थे आप, रात पर नजर भी नहीं आते और ड्यूटी पर भी कम ध्यान दे रहे हैं तो आप सुनते खामोश बैठ गए, किसी को जवाब नहीं मिलते। उमर की मरतबा से ही दाऊद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, वो पर्दा फरमा रहे, पर्दा फरमा दी तो आपको बड़ा तकलीफ हुई लेकिन आप फिर भी उनकी मजार मजार शरीफ पर रात रात भर बैठा करते थे। मजार शरीफ पर जाते यानी रात रात उनकी मजार के सामने बैठ कर आते, यहाँ यही तो आयत में पढ़ा कि तेरा सिराज मुस्तकीम है, मैंने अच्छा सिराज रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो देखिए अगर खबरों पर जाना शेर पर हराम होगा तो ताकुद्दीन बाबा जैसा बुजुर्ग वो खबर की ज्यारत करने क्यों जाते हैं, वो सही दाऊद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह रात रात भर खबर के करीब बैठते हैं, लोग कहते हैं क्या होता है मिलने से, मैंने कहा देखो वहाँ के दाखिल होने वो मिला नहीं आता, खबर शरीफ के करीब जाकर रात रात बैठा करते दाखिल हो गया तो खबरों को ज्यादा हराम होते हैं। तो मैंने कहा दाखिल होने हाफिज और फरहान भी थे, आलिम भी थे, हसन हुसैन शहजादे भी थे और आप जन्नती एक और कहेगा माशाल्लाह तो सब थे माशाल्लाह सब कहने जन्नती है हसन हुसैन ही है। तो मैंने कहा जन्नती और आमन और सुन्नी भी करते हैं, तो जन्नती जिस रस्ते पे चल कर अल्लाह तक पहुंचे हैं उसी रस्ते पर हम सुन्नी भी चल रहे हैं। दाऊद अलैहि रहमतुल्लाहि तआला ने के नानी को शिकायत की कि आप बच्चा रात रात भर रहता नहीं, तो नानी को जो शिकायत की तो क्रांति तो सागर है और आकर पहले तो कुछ कहा नहीं, जैसा रात हुई तो सोए जैसा करके मार दादू ने देखा कि नानी सो गई है तो वो उठ के बाहर निकले तो ये सुनी नहीं थी लेटे ऐसा करी थी उठी और इनके पीछे जाने लगी, अगर पीछे जाने लगी देखा क्योंकि गलत लोगों ने रफा पहले थे भाई रात पर कहाँ रहते ये इस तरह की बातें बस उन्होंने जहन में डाले, तो देखा कि एक जंगल की तरफ है और एक जंगल में मजार है वहाँ जाकर बैठे, जब ये मजार के शरीर बढ़ गए रात पर आपने देखा कदर हो जाए एक दिन दो दिन आपने देखा कि ये रोज कहीं और नहीं बल्कि मलिक के मजार के पास जाते हैं तो नाम तो इतना होगा। अब एक दिन सुबह का वक्त था नानी ने खाना निकाला और खाना निकाल कर कहा कि हजी जी खाना खाइए, तो ताजुल मलिक का बड़ा जज्ब की कैफियत ताजुल मशहूर हो गई जिसको हम लोग जुब की कैफियत जज्ब कैफियत तारी होना शुरू हो गई थी। तो कहा आपने नानी से आपने कि हम तो आजकल लड्डू पेड़े खा रहे हैं, हम तो लड्डू पेड़े खा रहे हैं, ये कहकर आपने अपने जेबक से दो गोल गोल रवा के कलर के पत्थर लिखा और उसको चूस ले। यहाँ एक बात देख लिया, ये भी एक मुजाहिदा का एक मंजिल है, बाबा फरीद गंगशंकर रहमतुल्लाह ताला के पास लकड़ी की होती थी, जब भी नफ्स अंदर से आवाज देता ना भूख भूख तो लकड़ी की रोटी को निकालते और लगाते ताकि ताकि नफ्स को सुकून मिल जाए कि तू कुछ खाया है। लकड़ी की रोटी आज भी जो है ना पाकपटन में बाबा फरीद गंगशंकर रहमतुल्लाह ताला के मजार पर लकड़ी की रोटी है जिस पर बाबा फरीद गंगशंकर के दाग उतरे हुए हैं। जो है आपको होश खत्म हो गया, ये यहाँ तक आपके लिए
और फौज में आप लोग मतलब 30 साल की हुई, यहाँ पर 30 या 32 साल की हुई, यानी 12 साल का असर गुजारने के बाद कई अंग्रेजों को इस्लाम की दावत देकर इस्लाम की तबलीग कर इस्लाम के कबूल कराने के बाद साल की कैफियत होश थे। अब यहाँ 32 साल की उम्र के बाद से आपकी कैफियत जस्ट बाद हो, यानी वही मसला सिवाय अरब के कोई आदमी हो। अब ये कैफियत हो गई तो पहले तो सब मोहल्ले वालों ने उनको दीवाना समझा, क्योंकि ना लिबास की होश होती थी ना खुद की होश होती थी, ना जन तो आपको पत्थर के मारते बच्चे ये दीवाना समझते। तो वही बात है, दीवाने को जमाना दिखता है, जमाना खोदा दीवाना खोदा जाने का आगे बेटा। अरे कैसे आप ताली हो गए थे, एक लाहौर एक दुकान वाला था जो जानता था कि भाई ये बंदे में कुछ है, ये बंदे में कुछ है, ये दीवाना नहीं। एक दिन ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी दुकान पर गए, नौकरी की दुकान वाले जाकर कहा कि जल्द जल्द सामान निकाल दी, जल्द सामान निकाल दी, घर को खाली कर दी, रोड पर अभी ला दे, अभी ला दे। वो बंदा पहले से थोड़ा अकीदतमंद था ही, तो अब उसने क्या किया, दौड़ दे गया पूरे घर वालों को बाहर निकाला, सामान बाहर निकाला, जैसा रोड पर सामान निकाला कुछ देर तक धड़म से उसका घर बैठ गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिना कुछ नहीं होती,
हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़ा मिला, हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़ा मिला और पकड़ के लगा उस पागल को। डॉक्टर साहब ने पूछा तो भागा कहाँ था, वो पागल ने बोला मैं तो जा रहा था, वो दर्ज वाले ने पकड़ के ला लिया। घर जाना थी, बच्चे को लेकर खूब खेलना थी।
पड़ रहे थे। अब राजा रघुवीर को इस करामत से बढ़िया करने दो, किसी ने आज्ञा ऊपर से ऑफिसरों से बात करके अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने श्योरिटी पर दर्जी लोहिया को पागल खाने से निकाल कर अपने महल में और महल में एक जगह दे दिया और एक बग्घी दे दी और उसमें उसी जो है महल में आप रहते थे और बग्घी रहती थी। वो बग्घी को मैं चलाता नहीं था, बस साथी वाले आपको जब भी मालूम करना होता आप बाहर निकलते बग्घी में बैठते आप बोलो जाने और घोड़े जाने। और आपका जो है मुकदमा भी आपने से उठा दिया गया, खारिज कर दिया।
अगर मैं लाखों टूटी पड़ी तो ये सीधा, क्योंकि पहले सोनियों में आता थी, जिस इलाके में जाते ना उस इलाके के बुजुर्ग से समूह बड़ा करता था। लेकिन बात लताइफ अशरफिया में मखदूम अशरफी सिन्ना में हमको लाए अपनी किताब लताइफ अशरफिया में लिखी, किसी शहर में भी जाओ ना तो उस वली की ज्यारत की नियत जरूर करो। और वहां ज्यारत करोगे ना वो देखो शहर का वली खुद पता है, उनके वसीले से अल्लाह सारे मुश्किलों को हल फरमा देता है। तकदीरों को
जो अल्लाह का वाक बदल देता, दुआ तकदीर को बदल देती है, जो हदीस है ना, इस पर मंगवा। एक बात देखे कुरान हदीस में आपको जोड़ कर इसलिए बता रहा हूँ, कहते हैं ये नहीं कहा कि सुन्नी खाली वाकुल में एक बात कहते हैं, और ये कराम कहा करामा कुरान हदीस से जोड़ होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सरकार ने कुरान और मेरी उम्र में तो दुआएं करेंगे तो दुआओं से तकदीर बदल जाएगा। तो ये तकदीर अल्लाह रहमतुल्लाह तआला ने कि शुमार करामा से एक बात बात मुझे और याद आ गई कि एक शख्स जो है उसको उसने खेत गिरवी रखा था अपना खेत, और जब वक्त आया तो उसने छुड़ा नहीं सका, तो खेत जिसके पास गिरने के उसने कहा भाई खेत दे दे, मेरा पैसा दे। इस पर उसने क्यों कोर्ट में केस कर दिया। अब यकीन इसकी गलती थी कि अभी गरीब बेचारा खेत में काम करके ही जो है अपना काम पेट का गुजारा करता था, तो आपने देखा कि अब खेत को चले जा रहा, केस तो हंड्रेड में जहाँ जाएंगे, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट के हिसाब से तो कानून को उसका साथ देगा। अब ये क्या किया, ताजुल औलिया के पास आया, बाबा मेरा खेत बचा। देखिए आप अल्लाह वाले मैं है अगर उसे लेकिन आप बाबा मेरा मेरा खेत बचा रहे, अब उसको सुना बोला जा रहे हैं बोला नहीं बाबा बचा लेना खेत। अब खामोश बैठते गए एक बार दो दिन तीन दिन बस पीछे पीछे भाग कर आ रहा। आप ताजुल औलिया जलाल में आए कह रहे इतना जी झाड़ के नीचे बैठना जी, अगर यहाँ से उठे ना जी तुम तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा, यहाँ बैठे रहना जी। अब वो गैर मुस्लिम था आए नहीं कहा हड्डी तोड़ दूंगा क्या उठे दूंगा, वो बैठ गया उसने अकीदत बड़ी मस्त यकीन अगर है ना तो फिर सब कुछ मिलता है, यकीन अगर अगर आपको फिर कुछ नहीं अकीदा लेकर बैठ गया। एक दिन दो दिन तीन सात दिन बैठा कोई जाकर खाने देता तो खा लेता, अगला मुद्दा वही उसी जगह पर सात दिन बैठा रहा, सात दिन भागा भागते आकर कहने लगा आपके उसका छोटा भाई आकर कहने लगा मैं आपको सात दिन से ढूंढ रहा हूँ यहाँ बैठे, बोले क्यों क्या हुआ, बोले हम केस जीत गए। उसने कहा यार हमारा केस तो 100% हारने के लायक, जीते कैसे जीते कैसे। तो छोटे भाई ने कहा पता नहीं सुबह सुबह एक आदमी है कोट पैंट पहने हुए थे कहा कि ला तुम्हारे जमीन के बाद हम केस लड़ेंगे। अब वो बेबा गए और उन्होंने कोर्ट में जज के सामने जो बहस किया ना छोटा भाई सुना सात दिन तक जो बहस किया ना तो आखिर में जज को मानना ही पड़ा और उसने हमारे जमीन हमें आने वाले वही कैफियत मजार से लोगों को मिलती है, बस मांगने वाले को आखिर तक मजबूत होना चाहिए।
बना देखे एक औरत मजार के पास आई थी, वहां पर कहती थी बाबा आप मेरे बेटे को अपने हिस्सा बना। ये कहना मजार के पास रोना 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 उसकी दुआ कबूल हुई, उनका बेटा फौज में था, नाम चांद पाशा था, उस पर नजर डाली और वो उससे मजबूत बना, फौज से आया और ताजुद हो गया कि मजार दरगाह पर आकर वक्त गुजारा और उसको विलायत के लिए ऊंचे मुकाम मिला। आज ताजुद्दीन और अपने कदमों में उनका मजार है जिनको चांद पाशा अली कहा जाता है। तो मैंने कहा आज भी जो अगर हजरत से मांगे मजार करने को मिलता है नागपुर ताजुद औलिया से, तो उस खातून को जब बिठाया ना तो वो हाल में भी इतनी दीवानी थी वो ताजुद्दीन बाबा की, हाल में भी थोड़ी देर पहले भी वाकया हुआ उनकी मजार के पास, अम्मा जान की मजार के पास किसी खवान ने जब कलाम पढ़ा कहा कि मैं तो जोड़ लू ताजुद्दीन बाबा, जब ये एहसास है तो लोगों ने देखा कि आपकी मजार जल रही थी। आज भी कहते हैं ताजुद्दीन बाबा के नाम पर कवाल, तो ये ताजुद ये हमारे जान के पास उनके पास जो लोग बहुत मिलने आते थे, कुछ खवान मुंबई से आए थे और मुंबई से आए थे आकर कहा कि किसी ने कहा भाई चलो हम से मिलने के लिए ताजुद्दीन बाबा की बड़ी आशिक है हम से मिलने मुलाकात के लिए जाएंगे। तो ख्वालों गए मुलाकात के लिए, ख्वाल भाई मैं तो सिर्फ एक बाबा को जानता हूँ ताज बाबा, ये अम्मा माँ किसी में मिलता नहीं, ये कहकर वो नहीं मिला अपने सारे को दूसरे खबर गए हमारे से मुलाकात करके सलाम खत घोषित कर आए। अब ये फिर गए ना राजा रघुवीर के महल में, अब सब मिल रहे हैं पीछे खड़ा है नहीं मिलने के लिए। एक आदमी की जमीन चप्पल थी, उसके चप्पल पर ताजुद्दीन बाबा ने पैर रखा, पैर रखा तो चप्पल बाहर निकल गया। अब खवाल उसके पीछे था, जैसा चप्पल उठा उसको इतना मारे ताजुद्दीन बाबा तो मेरी दीवानी को छोड़कर मुझसे वो कहता कि मैं बाबा पहले दादान पहले उससे भी मिल लेता हूँ मेरा दीवानी है। आमीन अल्लाह ताला के सबके नाम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। हुजूर ताजुल औलिया रहमतुल्लाह
शादी का लेके सकते तो फिर हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा, हम सबकी मुश्किलों को खत्म फरमा।